So welcome to all. Today I will give the lecture on the cesarean section. तो माना जाता है कि सबसे पहले जूलियस सीजर का लेप्रोहिस्टोटॉमी से डिलीवरी हुई थी, इसी के नाम पे उनका एक पड़ गया सीजरी। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे। व्हाट इज सीजरियन सेक्शन? सीजेरियन सेक्शन इज द डिलीवरी ऑफ द फीटस बाय लेप्रोहिस्टोटॉमी। लेप्रोहिस्टोटॉमी क्या है? मतलब एब्डोमिनल कैविटी और यूट्रस दोनों को इंसिजन के द्वारा खोलना, उसको बोलते हैं लेप्रोहिस्टोटॉमी। तो सीजेरियन सेक्शन वही है कि लेप्रोहिस्टोटॉमी करके फीटस को बाहर निकाल देना। और दूसरी क्या डेफिनेशन है कि इट इज एन ऑप्शन टू ट्रीट द डिस्टोकिया व्हेन वेजाइनल डिलीवरी और फीटोटॉमी इज फेल। ओके, जब फीटोटॉमी और वेजाइनल डिलीवरी फेल हो जाएगी, पर वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते हो, तो उस समय करना है। लेकिन इसके क्या क्या और इंडिकेशन है वो भी समझ लो। तो फीटोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, जैसे मैंने दूसरे पिछले क्लास में बताया था कि फीटस या तो आइदर द साइज ऑफ द फीटस इज लार्ज और द पेल्विस कैविटी इज नैरो, तो इट लीड्स टू फीटो पेल्विस डिस्प्रोपोर्शन। एंड अनदर थिंग्स इज फीटल माल डिस्पोजिशन। टार्सन अगर कोई है उसको रिलीव नहीं कर सके हम। यूट्राइन टार्सन आप लोग जानते हो कि जब यूट्रस का रोटेशन हो जाता है अपने लॉन्ग एक्सिस पे, तो यूट्राइन टार्सन लेफ्ट और राइट साइड का होता है, प्री एंड पोस्ट सर्वाइकल दोनों होता है। अगर नहीं क्यूरेबल हो रहा, मतलब उसको रोलिंग ऑफ डैम या और जो मेथड है उनसे करके हम उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, इनक्यूरेबल है, तो उस समय सीजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। और इनकम्प्लीट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स है, मतलब कि सर्विक्स डायलेट हो ही नहीं रही है। आपने सारी ड्रग्स उसको दे दिया लेकिन सर्विक्स डायलेट नहीं होगी तो बर्थ कैनाल नहीं बन पाएगा। जब बर्थ कैनाल नहीं बनेगा तो फिर आपको सीजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। फीटल मास्टिसिटी, मास्टर फीटस है पर वेजाइनल डिलीवरी या फीटोटॉमी से नहीं उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे 8 पैर हैं, 10 पैर हैं, 2 मुंह हैं, या 2 फीटस हैं एक साथ ही आपस में चिपके हुए या आपस में जुड़े हुए हैं, 3 फीटस हैं, ये मास्टिसिटी है, इसमें भी हो सकता है। यूट्राइन रप्चर है एंड डैमेज वेजाइनल प्रोलैप्स्ड है एनएसआर का, और प्रोलॉन्ग जेस्टेशन को टर्मिनेट करना है। तमाम चीजें हैं जिसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई, हमें 8 महीने में ही कर देना है। जैसे ट्रिपैनोसोमा हो गया बहुत भयंकर, और उसको जो है फीटस, हम समझ रहे हैं कि फीटस उसमें रहने पे दिक्कत होगी और दोनों की जान को खतरा है, तो बेटर है कि हम डैम को बचा लें। ठीक, उस समय करते हैं। ममीफिकेशन है, जब ममीफिकेशन का ट्रीटमेंट होता है कि PGF2 अल्फा देते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिंस, वो परसिस्टेंट सीएल को जो है ल्यूटलाइज करता है, ल्यूटोलिसिस। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फेल हो गया मान लीजिए, तो कर सकते हैं। और भी कंडीशन है, हाइड्रोप्स यूट्राई है, जितने भी तरह के हाइड्रोप्स यूट्राई हैं, जैसे एलेंटाइस, हाइड्रोएलेंटाइस, हाइड्रोएमनियन, तमाम तरह के डिजीजेज, उन सब में कर सकते हैं। ये इंडिकेशन है। ठीक है, तो दिस इज इंडिकेशन। एंड प्रोग्नोसिस, मतलब आउटकम ऑफ डिजीज क्या है, ये तमाम चीजों पे निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द सर्जन, स्पीड ऑफ सर्जन, ड्यूरेशन ऑफ डिस्टोकिया, कितने टाइम में आप कर रहे हैं। ज्यादा देर करेंगे कंटेमिनेशन ज्यादा होगा, दिक्कत ज्यादा होगी। ठीक, तो फिजिकल कंडीशन कैसी डैम की पता लगा, हम 10 दिन बाद वाला सीजेरियन सेक्शन कर रहे हैं और ओनर को बता दिए नहीं हम बचा लेंगे, ब्रह्मा है इसको नहीं बचा सकते आप, तो बाई चांस बच गया तो ठीक। तो ये सब बातों में ध्यान रखना है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड असिस्टेंट, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि असिस्टेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द सर्जन, तो वो जरूरी है। सर्जन का हाथ आगे बढ़ा नहीं कि उसको पता होना चाहिए कि क्या उसके हाथ पे रखना है, सीजर रखना है कि हेमोस्टेट रखना है कि पोर्सेप रखना है, क्या रखना है, रेड टूथ रखना है, ये असिस्टेंट को तुरंत पता होना चाहिए बिना बोले। तो ये असिस्टेंट की जो स्किल है, कितना अच्छा असिस्टेंट है, इसीलिए जो गुड सीजेरियन सेक्शन होता है उसमें असिस्टेंट
ज्यादातर अच्छे लोग मतलब जो एकदम परफेक्ट हो जाते हैं सिजेरियन सेक्शन करने में, जिन्हें पता है कि ये चीज लगनी है, वो असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। क्योंकि यहाँ उल्टा है कई जगह, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। कंकरेंट डिजीजेस जो भी है, तमाम तरह के डिजीजेज हैं, जैसे बेबीसीओसिस हो गया, फिलोरियोसिस हो गया, तमाम डिजीजेज हैं, जैसे और भी डिजीज यूट्रस का, यूट्रस नहीं, इनकी क्या नाम है, हाई फीवर है बहुत ज़्यादा, उसमें भी दिक्कत है सीजेरियन सेक्शन करने में, क्योंकि फ्लूइड थेरेपी आप ज़्यादा कर नहीं पाओगे और उस समय दिक्कत आ जाएगी, ब्लड लॉस और इससे है। या जैसे आपको सीजेरियन करना है कि एक पैर कट गया, किसी जानवर का पैर कट गया और उसको बचाने के लिए, क्योंकि एबॉर्शन होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है, सबसे पहले अपने को बचाती है फिर फीटस को, तो उस समय आप जब करोगे सीजेरियन सेक्शन, ऑलरेडी ब्लड लॉस इज सो मच इन अमाउंट, सो देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द डैम। ओके, और सबसे बड़ी बात जो है प्रेजेंस ऑफ लाइव फीटस। लाइव फीटस है इसका मतलब है कि फ्रेश केस है, फ्रेश केस है तो ऑलरेडी आप समझ लीजिए सबका जस्टिफिकेशन है। लाइव फीटस बोल दिया गया तो इसका मतलब नहीं कि लाइव फीटस है तो ये करेगा ही, जिंदा ही रहेगा, या डेड फीटस में जिंदा रहेगा, मर जाएगा। डेड फीटस है मतलब डिलेट केस है, डिलेट केस है तो इसका मतलब है इसमें तमाम तरह कॉम्प्लिकेशन, ब्लड क्लॉट, और आपने अगर असिस्टेंट करवाया है किसी से, किसी झोला छाप से या किसी वेटनेरियन से, नहीं निकल पाया, सेप्टिक कंडीशन, एसेप्सिस नहीं मेंटेन हुई, उसके बाद तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन आएंगे जो लाइफ का के साथ नहीं आते हैं, तो वो दिक्कत देंगे। ठीक, ये हो गया। अब फिर क्या प्री रिक्विजिट, मतलब पहले क्या रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट सीजेरियन सेक्शन। ऐसा नहीं गए और फटाक से खोल दिया एकदम और निकाल लाया फीटस हनुमान जी की तरह, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पहले सब तैयारी करनी है, क्या क्या तैयारियां हैं वो मेनली क्या आता है, सबसे डिस्ट्रेनिंग, प्रिपरेशन ऑफ द सर्जरी एंड एनेस्थीसिया, तीन चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बाकी और भी हैं, जैसे आपको क्या क्या चीजें आप मंगाए हैं ड्रग्स में, क्या ऑपरेशन के लिए क्या जरूरी है, और आपका सर्जिकल पैक रेडी है कि नहीं रेडी है, और सर्जिकल पैक्स में सभी चीजें हैं कि नहीं है, ये सब भी प्री रिक्विजिट में ही आते हैं। ये सब चीजें आपको बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, अपने सामने सर्जिकल पैक को बनवा के रखना है अगर तुरंत इमरजेंसी में सिजेरियन है, नहीं तो 4-5 सर्जिकल पैक्स बना के रखने हैं, उसको अपने सामने बनाना है, मार्किंग कर देना है सर्जिकल पैक्स पे कि लार्ज एनिमल का है, स्मॉल एनिमल का है, और इसमें क्या डिफिशियंसी है आपको पता होना चाहिए, जिससे आप उसको मैनेज कर सको बाद में। ठीक, वैसे डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए सर्जिकल पैक में। तो देन आता है रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेनिंग मतलब स्टैंडिंग पोजीशन करना है, रिकम्बेंसी में करना है, स्टर्नल रिकम्बेंसी है, लेटरल है, डार्सल रिकम्बेंसी है, तो स्टैंडिंग पोजीशन कब करते हैं, लेफ्ट या राइट पैरालंबर फोसा, आप जान ही रहे हैं कि पैरालंबर फोसा कहाँ होता है, र्यूमन के ऊपर, र्यूमन के एरिया में, पैरालंबर फोसा में, अगर पैरालंबर फोसा में इंसिजन देना है देन स्टैंडिंग पोजिशन इज द बेस्ट। डार्सल रिकम्बेंसी है में अगर कर रहे हैं, इसका मतलब मिड लाइन एंड पैरामीडियन अप्रोच को हम अपना रहे हैं, मिड लाइन बीचों बीच वेंट्रली या पैरामीडियन स्लाइड टू मीडियल टू द मिड लाइन इंसिजन, मीडियल जान जो ना स्लाइड मीडियल कैसा हुआ, एक तो वेंट्रल हो गया, जैसे आपने इसको बीचों बीच ये वेंट्रल लाइन हो गई ना डैम की, इसके थोड़ा सीधा मतलब स्पाइनल कार्ड की तरफ हम जैसे जाएंगे मीडियल हो जाएगा, उससे दूर जाएंगे तो लेटरल होगा। ठीक, तो ये हुआ मीडियल पोजीशन में आपके, तो पहला अभी फिगर से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टर्नल लिकेमेंसी क्या है, स्टर्नल लिकेमेंसी में जब बहुत बार लेफ्ट और राइट पैरालंबर फोसा में करते हैं, क्यों करते हैं स्टर्नल लिकेमेंसी में, क्यों, क्योंकि बहुत बार खड़ी स्टैंडिंग पोजीशन को बियर करना डैम और उसके लिए आसान नहीं होता है, ऐसे ही कंप्रोमाइज्ड रहती है डैम, तो देन इट इज वेरी हेक्टिक टू मैनेज दैट। ओके, देन लेटरल लिकेमेंसी है, उसमें क्या करना है,
लेटरल रिकम्बेंसी मोस्टली हम लोग यही करते हैं अभी जो इंडियन कंडीशंस में है, लार्ज जैसे फॉरेन कंडीशन में स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ कंडीशंस दूसरी होती हैं, हमारे यहाँ दूसरी होती हैं। दूसरी मतलब हमारे यहाँ जो है केस है हैंडल्ड केस आते हैं, जनरली इनफाइसिनेटेड हो जाता है, पता लगा एकदम से किसी ने रैप्चर कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, तो लेटरल रिकम्बेंसिंग करते हैं। और वैसे भी अगर वेंट्रोलेटरल अप्रोच या लो फ्लैंक मेथड करना है, फ्लैंक रीजन जान रहे हैं उससे नीचे कॉपी करना है, पैरेलल टू मिल्क वैन करना है, आपको इंसिजन लाइन देनी है, तो लेटरल रिकम्बेंसिंग इज बेटर। ओके, उसमें भी सर्जन अपने हिसाब से उसको स्पाइनल कार्ड की तरफ से ऊंचा कर सकता है, नीचे कर सकता है। टेबल टेबल जो होती है वो आपकी हाइड्रोलिक टेबल इज बेटर, हाइड्रोलिक टेबल है तो आप अपने अनुसार उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और नहीं है अप्रोच तो कोई बात नहीं, उसको आपको खुद मैनेज करना होगा कि कैसे हम छोटे बड़े स्टूल लेकर कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। सर्जन्स का कंफर्ट जरूरी है, नहीं तो जो एक घंटे का डिस्ट्रिक्ट सीजरियन सेक्शन वो 2 घंटे में, वो सब कुछ तैयार होना चाहिए। ठीक, देन आता है सीडेशन। सीडेशन जनरली नहीं करते हैं क्योंकि ट्यूमिनल ब्लॉट कंडीशन आ जाती है, वो पढ़ोगे तुम लोग, ट्यूमिनल ब्लॉट कंडीशन आ जाती है जाइलाजिन देने के कारण। जाइलाजिन अगर जरूरी है तो थोड़ा जाइलाजिन देते हैं, जैसे 0.05 से 1 mg/kg बॉडी वेट कैंसर रेमिनेंट्स। स्मॉल एनिमल में तो जनरल एनेस्थीसिया में ही देते हैं, इसमें जनरल एनेस्थीसिया में नहीं करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो बताना। यस सर। तो जाइलाजिन क्या है, रूट क्या है, अभी तुम लोग क्या एनेस्थीसिया पढ़ लिए हो नहीं पढ़े हो? जाइलाजिन सर, आईएम है सर, आईएम आईएम आईवी दोनों दे सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों दे सकते हैं। यस सर। तो जनरल एनेस्थीसिया में जनरली लार्ज एनिमल में नहीं करते, ठीक है, क्योंकि रूमेन का जो कंट्रैक्शन है कितना होता है, जुमनल 3 से 5 पर 3 मिनट 2 मिनट, मुझे याद नहीं, पर 2 मिनट। यस सर, पर 2 मिनट 2 मिनट, तो वो जरूरी है, वो नहीं है तो ब्लड कंडीशन बन जाएगी, तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, और अगर जाइलाजिन दे रहे हैं तो एक जुमन पंचन नीडल जरूर रखिए पास में। ठीक, एक ये हो गया। अब क्या है, सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ द सर्जरी है, सर्जरी के प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो प्री सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स करते हैं, मतलब सर्जरी शुरू करने से पहले एंटीबायोटिक देना जरूरी है। तो जो कॉमन एंटीबायोटिक्स करते हैं एंटीबायोटिक लाइक सेफ्ट्रियाक्सोन देते हैं 10 mg या जो भी रिकमेंडेड डोज है उसके अनुसार दे देंगे। फिर अगर जाइलाजिन यूज कर रहे हैं तो टोकोलाइटिक एजेंट भी यूज करना, जिससे यूट्रस और इसका कंट्रैक्शन बढ़ा दे, क्योंकि यूट्रस और ये सब का रिलैक्स्ड हो जाएगी तो वैसोडाइलेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अगर मसल का वैसोडाइलेशन, अगर वो वेंस और आर्टरीज का वैसोडाइलेशन ज्यादा हो गया तो हेमरेज ज्यादा होगा, तगड़ा हो जाएगा, तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको टोकोलाइटिक एजेंट दे देना चाहिए अगर हमने जाइलाजिन वगैरह यूज की है तो। देन आता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे जैसे पेरिनियल लीजन या उसका कंट्रैक्शन है, एब्डोमिनल कंट्रैक्शन ये सब रुक जाए, यूट्राइन कंट्रैक्शन को तो नहीं रोक पाए लेकिन उसका कंट्रैक्शन रुक जाए। ठीक, तो उस कंट्रैक्शन को रोकने के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं, 4 से 5 ml जीपर में, 6 से 7 ml एडल्ट का हुई है अगर भारी भारी जानवर है तो उसमें 2% लिडोकेन देते हैं, जिसको हम जाइलोकेन के नाम से बिकता है। कहाँ कहाँ देंगे, फर्स्ट इंटरकॉक्सीजियल वर्टिब्री या सैक्रोकॉक्सीजियल स्पेस में। ठीक, फर्स्ट इंटरकॉक्सीजियल स्पेस या इंटरकॉक्सीजियल सेकेंड कभी कभी देते हैं, लेकिन सैक्रोकॉक्सीजियल स्पेस इंटरकॉक्सीजियल स्पेस में देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस होता है। देने का तरीका क्या, 10 डिग्री पे उसको हम 18 गाज के नीडल को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद हम एक क्रैकिंग साउंड आता है,
तो पता चलता है कि वो जो है इपिडुरल स्पेस में जा रहा है। तो तुम लोग जब सर्जरी में या गायनी में ही करोगे प्रैक्टिकली तब समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा पहले देंगे उसमें इपिडुरल कि सख्त वो अपने पास निगेटिव प्रेशर से जो उसका निगेटिव प्रेशर है उससे सख्त कर लेगा, आसानी से जाएगा जो हम भी एंजाइलोकेन या लिडोकेन दे रहे हैं। अगर वो आसानी से जा रहा ब्लड वर्ड नहीं आ रहा तो हम उसको पूरा इंजेक्ट कर देंगे, देन वी इंजेक्ट ऑल द। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो फीटस आपका बर्थ कैनाल में बाहर निकल आया हुआ है उसको रिपेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम यूट्रस में इंसिजन देंगे फिर उसके बाद खींचेंगे फिर उसके बाद उधर से ले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको और टीयरिंग के ज़्यादा चांस हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी यूट्रस को टीयर कर दिया है, इंसिजन दे दिया है। इंसिजन देने के बाद आप फिर से फीटस को वहाँ से खींच तान के ले आएंगे तो दिक्कत है। दिस इज वेरी हेक्टिक टू मैनेज दैट केस। ओके, आप क्या करेंगे कि वाइड एरिया प्रिपेयर करना है। वाइड एरिया मतलब जब सर्जरी करनी है तो एक लार्ज एरिया में करना है। लार्ज एरिया को हम एकदम स्टरलाइज करेंगे, सर्जिकल फील्ड्स उसको बोलते हैं, कि सर्जिकल फील्ड कितना बनाना है। तो सर्जिकल फील्ड जैसे फ्लैंक रीजन के लिए सर्जिकल फील्ड कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे तो जो हमारा ऑस्कॉक्सी है वहाँ से लेके ट्रांसवर्स प्रोसेस ऊपर ट्रांसवर्स प्रोसेस डार्सली ट्रांसवर्स प्रोसेस से लेकर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस लंबर वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं वहाँ से लेकर नीचे अप टू मिल्क वेन तक और उधर ऑस्कॉक्सी से लेकर लास्ट रिब तक ये पूरा वाइड एरिया हम एकदम से स्टरलाइज कर लेंगे। ठीक, जब वाइड एरिया एकदम स्टरलाइज कर लेंगे उसको सर्जिकल फील्ड बनाएंगे। वहाँ से डर्ट एंड डस्ट शुड बी रिमूव्ड, ब्रश से काम करी काम वगैरह आता है उससे रगड़ देंगे जिससे गोबर वगैरह या जो भी डर्ट और डस्ट है ये सब निकल जाए। देन आफ्टर क्या करना है, क्लिपिंग, हेयर क्लिप कर देना है या शेविंग कर देना। अभी शेविंग ही ज़्यादा बेटर है, क्लिपिंग में तो दिक्कत आती है क्योंकि कुछ न कुछ आपको आ जाएगा। तो जो है उसको रिमूव कर देंगे फिर उसके बाद क्लिप करेंगे। अजीत अपना माइक्रोफोन। प्रियंका अभी माइक्रोफोन ऑन है, बंद कर ले। प्रियंका म्यूट कर। चले आगे बढ़े। फ्लैंक इंसिजन, जब फ्लैंक इंसिजन करते हैं तो उसमें कहाँ से कहाँ तक हम ऑपरेटिव फील्ड बनाते हैं आपको बताया, ट्रांसवर्स प्रोसेस से मिल्क वेन तक नीचे और ट्यूबर काक्सी जो ऑस्कॉक्सी है वहां से लेकर लास्ट रिब तक। ट्यूबर काक्सी इधर हो गया, लास्ट रिब इधर हो गया और इधर ट्रांसवर्स प्रोसेस इधर नीचे मिल्क वेन है। तो पूरा एरिया आपका एकदम स्टरलाइज हो गया कोई नहीं। फिर स्क्रबिंग करते हैं। सर्जिकल स्क्रबिंग किससे करेंगे, जब शेविंग के बाद क्लोरीन आयोडीन से। उसको भी क्या करना है, जस्ट उसको क्या करना है आपको, जस्ट ए मिनट है, जूम का कुछ दिक्कत आ रही है। आ रहा दिखाई दे रहा? यस सर, यस सर, यस सर। अपग्रेड, टाइम अपग्रेड के लिए मांग रहा था। तो सर्जिकल स्क्रबिंग कैसे करना है, कोइडीन आयोडीन या जो भी है आपके क्लोरहेक्सीडीन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन से, उसमें क्या करना है आपको, सर्जिकल स्क्रबिंग करते हैं पहले कैसे, जो भी सेंटर में ले लिया आपने, ठीक, सेंट्रल से ऐसे ऐसे घुमाते जाइए, मतलब एक तरफ, या नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं एक तरफ, या तो फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस से एक तरफ सीधे आइए, फिर उस ड्रेप को जो आपने छोटे छोटे ड्रेप्स या कार्टन गाज बना रखे हैं उससे आप उसमें बीटाडीन भिगो के उसको एक ऊपर से नीचे तक ले आइए, फिर उसको फेंक दीजिए, फिर दूसरा लीजिए ऊपर से नीचे तक लाइए फेंक दीजिए, या सेंटर में रखिए और उसको ऐसे घुमाते जाइए कि आउट पेरिफेरी पे हो जाए, ठीक, फिर दूसरा ड्रेप दूसरा लीजिए, फिर सेंटर से करते हुए पूरा घुमाते ऐसे चार पांच बार जब करेंगे तो वो पूरा एकदम से स्टरलाइज हो जाएगा एरिया। ठीक, फिर उसके बाद एक
ऑटोक्लेव्ड जो है सर्जिकल ड्रेप्स, जिसमें बीच में वो बने रहते हैं, बीच में स्पेस रहता है, वो वाला सर्जिकल ड्रेप्स आपको, आपने देखा ही होगा सर्जिकल ड्रेप्स, उस ड्रेप को वहाँ पे लगाना है। फिर लगाने के बाद उसको टॉवल क्लैंप या जिससे भी उनको फिक्स कर देना है, तब आपको सर्जरी को प्रोसीड करना है। वो सर्जरी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ लोगे आप। अब आता है एनेस्थीसिया। ज़्यादा यहाँ एनेस्थीसिया नहीं बताऊँगा पूरा टोटल, क्योंकि इसकी अलग क्लास है। इसमें क्या है कि हम अगर फ्लैंक रीजन में कर रहे हैं तो दो तरह से, मोस्ट कॉमनली यूज जो फ्लैंक रीजन है, इंडियन कंडीशन में लोग मिल्क वेन के पैरेलल ज़्यादा करते हैं। तो उसमें क्या है, मिल्क वेन के पैरेलल जब हम इंसीजन लगाएंगे तो उसमें एक तरह के एनेस्थीसिया हम देते हैं, तो उसे कहते हैं कि पैरेलल टू द इंसीजन लाइन, एक दो सेंटीमीटर ऊपर और नीचे, उसके इंसीजन लाइन के ऊपर नीचे हम इनफिल्ट्रेट करते हैं। एक कई साइट बना लेते हैं, 10-12 साइट बना लिया हमने, 15-10-12 साइट ऊपर, बीच बीच में एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर का गैप छोड़ के, जैसे इंसीजन लाइन ये हो गई, यहाँ से एक उसके जस्ट एक सेंटीमीटर ऊपर और एक सेंटीमीटर नीचे, हम उसको पहले तो सब कट भी देंगे, फिर मस्कुलेचर में भी देते, अंदर देते, 5 ml एक बार में इंसर्ट कर दिया, 5 ml 7 ml, फिर दूसरे साइड पे, तीसरे साइड, ऐसे करके उसको ऊपर नीचे इंसिजन लाइन के दोनों हम डिसेंसिटाइज कर देते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, उससे भी हो जाता है एनेस्थीसिया। लेकिन जब आप फ्लैंक रीजन यूज कर रहे हैं तो उसमें टू टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया यूज्ड, वन इज द पैरावर्टिब्रल ब्लॉक, जिसको बोलते हैं पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, और एक हो गया लाइन ब्लॉक या इन्वर्टेड एल ब्लॉक। पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया में कौन कौन से नर्व्स एसोसिएटेड होते हैं? थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट टू लंबर, फर्स्ट टू या थ्री लंबर, तो ये तीनों इन्वॉल्व होंगे, तीनों लंबर वर्टिब्रल के नर्व एंडिंग्स और एक थोरेसिक का, ये तीनों चारों नर्व्स ब्लॉक करते हैं, जिसमें ईच साइट पे 20 ml इन्फ्यूजन करना है। तीन साइट हमने बना लिया है, अभी नेक्स्ट फिगर में जब आप देखेंगे तो बेटर समझेगा। और हर जगह 20-20 ml लगाना है, लेकिन 20 ml 15 ml डीप, और 5 ml जब उसको नीडल को हम बाहर ड्रैग कर रहे हैं, पीछे तरफ खींच रहे हैं, देन वी अप्लाई दैट। ओके, इसको बोलते हैं कि जो डीप वाला हम करते हैं उसको वेंट्रल नर्व ब्रांच में, मतलब हमने इंसर्ट किया वेंट्रल नर्व ब्रांच जो है उसकी T13 या L1-L2 की, उसको हमने डिसेंसिटाइज कर दिया। जब ऊपर करते हैं सरफेस पे, तो इसका मतलब डार्सल ब्रांचेज जो है उसको भी करते हैं। एनाटॉमी में पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो इसको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, कि डार्सल ब्रांच क्या है, वेंट्रल ब्रांच क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक, देखो ये फिगर से थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा। तो ये हो गया, एक तो डार्सल ब्रांच ही है, दिस वन इज डार्सल ब्रांच ऑफ द लंबर नर्व, लंबर नर्व, और ये जो है अंदर जो है, अंदर जो है वो वेंट्रल ब्रांच है। तो डार्सल मतलब ऊपर की तरफ, वेंट्रल अंदर की तरफ जो है उसको देंगे। अब डिपोजिशन साइट क्या है, यहाँ पे देंगे दोनों। ठीक, क्या करना है उसके लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा 5 cm लगभग, 5 cm जो ट्रांसफर प्रोसेस है वहां से 5 cm नीचे आपको लगाना पड़ेगा, मतलब एनेस्थीसिया उसको देना पड़ेगा 90 degree पे। ये तीनों साइट हैं, देखिए यहाँ पे हमने उसको साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट T13 में, L1 में, L2 में, इसके बीच में हो गया। ठीक, L3 और L2 के बीच में, L1 L2 के बीच में जो है, और T13 और L1 के बीच में यहाँ पे हमने साइट ऑफ डिपोजिशन कर दिया। ये हमारा पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक, जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखोगे तो ज़्यादा बेटर तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ हम कैसे लगाना है, कैसे करना। लाइन ब्लॉक ये क्या है, एक अल्टरनेटिव, क्योंकि पैरावर्टिब्रल ब्लॉक इतना आसान नहीं है लगाना, तो इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड खोज रखा लोगों ने। तो उसमें क्या है, 3 गाज की एक नीडल ले लिया लंबी थोड़ा, उसमें 2% डाइलोक्लेन लगाया हमने, 20 ml, 15-20 ml भर लिया, और
ये जो हमने ये समझिए इंसिजन लाइन है फ्लैंक रीजन का या पैरालम्बर फोसा रीजन का, और इसके अराउंड एल रूप में हमने एक इन्फिल्ट्रेशन साइट एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बना दिया एल रूप में, इमेजिनरी लाइन खींच के ऐसे, या आप नेडल से भी उसको मार्क कर सकते हैं। फिर वहां पे नीचे से यहाँ पास करते हैं और कई कई जगह से ब्लॉक करते हैं, वो यहाँ पे ब्लॉक किया एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इस तरह ये आपका लोकल एनेस्थेटिक एजेंट भी उसमें डिपॉजिट हो गया। और टोटल जो है वो 80 से 100 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए लिडोकाइन का, जनरली 70-80 ml में हो जाता है। लेकिन जो हम मिल्क वेन के पैरेलल जब करते हैं तो उसमें ज्यादा हमारा एनेस्थेटिक एजेंट यूज होता है, लगभग जाइलोकेन जो भी है जाइलोकेन की या लिडोकेन जो है उसका 4 वायल मतलब 30 ml 120 ml तक चला जाता है, एक वायल में 30 ml है तो 120 ml तक चला जाता है। उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है उसमें कि जो हमारे डीप मसल्स हैं ट्रांसवर्स मसल ट्रांसवर्स ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक और मसल्स जो है इनका जो है डिसेंसिटाइजेशन कम रहता है, या वहां तक अगर पहुंच भी गया तो हमारा जो पेरिटोनियल लेयर है पेराइटल पेरिटोनियल लेयर उसको जब कट करने लगते हैं तो कभी न कभी दर्द होता है, इसका मतलब वहां तक वो ज्यादा सेंसिटाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या है लोकल हम लिया और स्प्रिंकल कर देते हैं उस समय जब इंसिजन देने लगते हैं, तो एक मेथड ये भी है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की गई है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आता है वो सिलेक्शन ऑफ द साइट, क्या है सिलेक्शन ऑफ साइट, कितने साइट्स हो सकते हैं, तमाम साइट हैं जो इसमें है कि लेफ्ट पैरालम्बर फोसा राइट पैरालम्बर फोसा, राइट पैरालम्बर फोसा ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि उसका दिक्कत यह है कि उधर इंटेस्टाइन है, ठीक। लेफ्ट पैरालम्बर फोसा स्टैंडिंग कंडीशन में करेंगे, मिडिल ऑफ द लेफ्ट फ्लैंक में मिडिल में करेंगे 10 cm ट्रांसवर्स प्रोसेस से नीचे और 30-40 cm लंबा इंसिजन लगा देंगे, ठीक। ट्रांसवर्स प्रोसेस से 10 cm नीचे और 30-40 cm लंबा इंसिजन एकदम मिड में, ठीक। तो ये हो गया राइट पैरालम्बर फोसा, सेम जस्ट अपोजिट ऐसे करना है, लेकिन अगर इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है दिक्कत है तो नहीं, वो इसीलिए नहीं करते हैं। सर वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे या वो इंक्लाइंड में? वर्टिकल इंसिजन रहेगा ना, अभी साइट में आएगा तो आप देखेंगे वर्टिकल इंसिजन। ओके लेटरल अभी इसके बाद लेटरल ऑब्लिक अप्रोच है एक, तो मतलब कि जो पैरालम्बर फोसा है उसी के थोड़ा सा ऑब्लिक कर देंगे, उसी को कहते हैं लेटरल ऑब्लिक 30 degree वर्टिकल, मतलब फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल है उससे थोड़ा सा 30 degree इसे घुमा के कर दिया। सर फ्लैंक से 30 degree? हाँ हाँ फ्लैंक से, वही मतलब लेफ्ट पैरालम्बर फोसा में जो